नमस्कार, मेरा नाम दीपांशी निगम है। मैंने जैसे ही MSW कंप्लीट किया उसके बाद मैं PCS की तैयारी में जुट गई, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ऐसा रहता था कि कुछ ऐसा करना है कि आखिर समाज में ये समस्याएं क्यों हैं और उनका निदान ज़मीनी स्तर पर हम कैसे कर सकते हैं। मैं डेली गूगल पर विज़िट करती थी कि आखिर कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि ऐसे सोशल वर्क करती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि समाज में चल रही हैं। तो मैंने वहीं पर गांधी फेलोशिप के बारे में मुझे पता चला। मैंने जब गांधी फेलोशिप के बारे में मुझे पता चला तो मैंने कहा, सोचा चलो देखती हूँ। फिर मैं जब साइट पर विज़िट करने गई गांधी फेलोशिप की, तो मैं प्रभावित हो गई। मैंने यहाँ पर देखा कि लोगों का आपस में एक अलग ही भावनात्मक जुड़ाव है। लोग ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं और वह भी एक ऐसे बेहतरीन तरीके से करते हैं कि आपको करने में आनंद आए। यहाँ के फेलोज़ का जो अनुभव रहा है वह काफ़ी मार्मिक रहा है। मैं जब देख रही थी तो मैंने देखा कि वो ऐसे कार्य करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है और महिलाओं से मिलना है। मैंने आदित्य नटराज सर की वीडियो देखी, आपने शालीनता से सब कुछ बयां कर दिया। मैं उनको देख के कुछ क्षण तो एकदम स्तब्ध रह गई थी। उन्होंने इतने शालीन तरीके से चीज़ों को समझाया और बताया कि किस तरीके से आखिर चीज़ें चलती हैं। मैंने सोचा कि एक माटी से जुड़े अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता को आखिर पता होना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पर क्या समस्याएं हैं और उनका निदान आखिर हम कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने निश्चय किया कि मुझे यह करना है, तभी तो मैं लोगों के साथ एक समानुभूति रख पाऊंगी और समझ पाऊंगी कि आखिर उनको जो समस्याएं हो रही हैं आखिर वो कैसे हो रही हैं और उसका निदान हम कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने निश्चय किया कि मुझे यह फेलोशिप करनी है। अगर ज़िंदगी में यह फेलोशिप नहीं की तो क्या किया। धन्यवाद।